आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही जनरल टाइप का है। इसके शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं और थोड़ा सा अलहुदा से अपना राबता जो पिछले सालों में रहा है वो मैं थोड़ा बता देता हूं। और ये कि यहां आन के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग जो उस तरफ चल पड़े हैं जिसमें अल्लाह ताला की रजा है, मर्जी है, ये बस किसी को कहते हैं रुजू अल्लाह की तरफ होता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बने हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला आपको हमेशा वो कहते हैं इस्तकलाल दे, मुस्तकिल मिजाजी दे, ताकि ये न हो कि एक तरफ यंग लोग जब इस तरफ आते हैं तो रास्ते में इतने ऑब्स्टिकल्स, इतनी खराबियां, इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि फिर वो इससे डिविएट कर जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग इस पे चलें। मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैंने 40 साल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम किया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मैंने MSc न्यूक्लियर फिजिक्स किया था, उसके बाद MS और PhD अमरीका से की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। मेरा ताल्लुक शोबे तालीम से हमेशा रहा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आपको मालूम है कि न्यूक्लियर साइंसेज के अंदर हमारे लोगों को बाहर के मुल्कों में ट्रेनिंग अब बंद हो गई है, क्योंकि सेंसिटिव फील्ड है। वो नहीं चाहते कि ये ऐसी फील्ड मुसलमान ममालिक के पास भी आए। इसके लिए हमने तकरीबन 30 साल पहले अपने ही मुल्क में इस तालीम का एक शोबा कायम किया था, जिसे पहले सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज कहते थे और अब उसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है। यहां पे हम लोग जो बेसिकली इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने MSc कर रखा है, उनको फिर हम MS न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की करवाते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में अब उनका दाखिला बंद हो गया है। उसके बाद उनको PhD न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस वगैरह में देते हैं, ताकि फिर वो लोग ट्रेन होकर कमीशन में काम कर सकें। इस तरह हमने तकरीबन 2000 लोग पिछले 30 साल में ट्रेन किए हैं, जो लोग फिर कमीशन के डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं और डिफरेंट जो थोड़ी बहुत कामयाबियां आप मुल्क में देख रहे हैं कि हालात इतने खराब हैं, चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं, करप्शन है, इंसाफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी पॉकेट्स आपको मिल रही हैं। लोग मुल्क में इतने अच्छे मौजूद हैं कि अगर मेरिट्स पे काम हो, ठीक डायरेक्शंस हो, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, और सबसे बड़ी बात जो हमारी मैन पावर है, मुझे 40 साल में जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारे लोग MIT गए हैं, ऑक्सफोर्ड गए हैं, कैम्ब्रिज गए हैं, 50 लोग वहां से PhD करके आए हैं, उनका परफॉर्मेंस वहां के लोगों से बहुत अच्छा रहा है जो हमेशा वहां पे थे। तो अल्लाह ताला ने इंटेलेक्चुअल पावर हम लोगों में कम नहीं दी, हर लिहाज से हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जो खराबी मुल्क में है वो ये है कि ठीक लोगों को ठीक चीजें नहीं मिल रही, मेरिट्स पे काम नहीं हो रहे, और इंशाल्लाह अगर ये काम शुरू हो गया तो आप देखेंगे बहुत जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है टेक्निकल टॉपिक नहीं है। आज का लेक्चर के बैकग्राउंड में आपको ये बताऊं कि रिटायरमेंट से, मैं पिछले साल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से मैंने छोड़ा था, उन्होंने फिर मुझे साइंटिस्ट एमेरिटस का इजाज़ दे दिया कि मैं डिफरेंट जगहों पे लेक्चर दूं, कमीशन में एडवाइजरी रोल अदा करूं। तो 2-3 साल पहले मुझे थोड़ा सा ये था कि ज़हनी सुकून लोगों में नहीं है, सब कुछ इंसान के पास है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट जगहों पर जाना शुरू किया। मैं 8 साल अमरीका में रहा, उसके बाद डिफरेंट ममालिक में मैंने घूमा और मैंने देखा कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सुकून कल्ब नहीं है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनमें से मैंने देखा बहुत से लोग खुश हैं, इत्मीनान से हैं, हर वक्त कहते हैं अल्लाह मालिक है, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, लेकिन जिनके पास दुनिया भर की नेमतें हैं वो परेशान हाल हैं, नींदें नहीं आती हैं, गोलियां खा रहे हैं, मतलब परेशानियों में मुब्तला हैं। 2-3 साल से मैं डिफरेंट इदारों में जा भी रहा हूं। यहां पे एक इदारा अडियाला जेल है, पाकिस्तान का सबसे बड़े जेलों में से एक है, 4000 कैदी हैं वहां पर। वहां के सुपरिंटेंडेंट एक दफा मुझे मिले, कुछ पुलिस के बहुत से नेक लोगों से मेरी बातचीत हुई, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जेलों के अंदर कम से कम 60-70% लोग इनोसेंट हैं। ये स्टेटमेंट उन लोगों की है जो लोगों को अंदर डाल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो असल मुजरिम हैं उनको कोई मतलब पैसा वैसा दे के छुट जाते हैं, नफरी पूरी करनी होती है किसी ऐसे इंसान को जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो वहां पे डाल देते हैं, उससे लिखवा लेते हैं। लिखना तो बहुत आसान काम है उनके लिए, क्योंकि पुलिस के तशद्दुद के सामने तो कोई उठ नहीं सकता। तो वहां फिर मेरा जाने का मौका हुआ, उन लोगों से बातें करी, उनके पास मैं कई दफा गया, तो उनसे देखकर ही मुझे लगा कि वो लोग जिनको उम्र कैद हुई हुई है, जो फांसी पे लटकने वाले हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किए जिसके लिए वहां पर आए थे, उनको मैंने खुश पाया। मतलब उन्होंने जब ये एटॉमिक एक्सप्लोजन की हमारी बातें हुई तो मैं उसके बाद गया, उन्होंने देखा मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बिलोंग करता हूं,
उनमें से लोग जैसे मुझे गले मिल रहे हैं कि जी बड़ा अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और अल्लाह मुल्क को और आगे बढ़ाए, तो आंखों में इंसान के आंसू आ जाते हैं कि ये लोग जो इतने इनोसेंट हैं, मासूम हैं, इनको मुल्क का इतना ख्याल है। और फिर मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, इनके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं, सब कुछ है उनके पास, बाहर के मुल्कों में बैंक बैलेंस है। वो लोग परेशान नजर आए मुझे कि जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ क्यों कर लिया, अब हमसे वेस्ट नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमारी एड बंद हो जाएगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा जो बाहर पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह अगर किसी को देता है और फिर उसका दिल तंग कर देता है तो एक सजा है उसके लिए। सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है उन लोगों को, लेकिन फिर लालच, तंग दिली और हो जाए हमारे पास और आता चला जाए, तो ये खुशी जो है वो पैसे से, दौलत से इसका कोई रिलेशनशिप मैंने देखा नहीं है। ये सुकून कल्ब कुछ और ही चीज है जो इंसान को मिलती है डिफरेंट और चीजें करने से। इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि किस लिए हम सब कुछ कर रहे हैं दुनिया में। अब अमेरिका में जब था, जब मुझे लगता था कि वहां पे बहुत ज्यादा पैसे की हिर्स है, वो आज से 30 साल पहले की बातें हैं। अब यहां आन के मुझे लगा कि वही हालात हमारे भी होते चले जा रहे हैं, हमारे लोग भी उसी उलझनों में उलझते चले जा रहे हैं जहां पर हम एक वक्त में बहुत कम थे। अमेरिका में मुझे बहुत अजीब सा लगता था 1960s में कि टेलीविजन पे, अखबारों पे हम देखते थे स्ट्रेंज टाइप की बातें। वहां पे एक रूल है जो हमारे पास भी अडॉप्ट कर लिया है, जो मैंने आन के चेक किया अपने यहां भी, कि अगर जिंदगी में बच्चों को पेरेंट्स की दौलत लेनी हो, एक था ना कि वेट करें कि पेरेंट्स मर जाएं तो दौलत उनको मिल जाएगी विरसे में, एक रूल ये भी है जो इंग्लिश रूल था जो हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर जिंदगी में माँ बाप पागल हो जाएं, मेंटल हो जाएं, तो जिंदगी में दौलत बच्चों को मिल जाती है, फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं और बच्चे पूरे काबिज हो जाते हैं दौलत पे। तो वहां मैं बहुत से केस देखता था अखबारों में, टीवी में, कि वो मां खड़ी हैं, बाप खड़े हैं, वकील कर रखा है, बेटा है, बेटी है, उन्होंने वकील कर रखा है, वो कह रहे हैं ये पागल हैं, वो कहते हैं हम पागल नहीं हैं। और ये चीज यहां पर पाकिस्तान में, फिर मेंटल हॉस्पिटल में गया लाहौर में, वहां मुझे पता चला वहां के सुपरिंटेंडेंट अमीर तरीन इंसान है, किसी को दाखिल करा देते हैं 15-20 दिन के लिए, वो सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश कर देते हैं कि ये तो मेंटल है, वो बेचारा फिर वाकई पागल होकर सड़कों पर घूमने लगता है, प्रॉपर्टी कोई और कब्जा कर लेता है। तो इस तरह के बेइंतहा केसेस जो मेरी नजरों से गुजरे हैं कि दौलत के पीछे, और सबसे बड़ी चीज जो है कि हमें दुनिया से मोहब्बत हो गई है और हमें मालूम नहीं है, हमें आखिरत पे यकीन हमारा तकरीबन न होने के बराबर है। कहते हैं कि यकीन है लेकिन यकीन नहीं है। इसी तरह के कोई रिश्ते का केस था, एक कोई बैरून मुल्क कोई मोहतरमा थी जो मुसलमान हुई अपने शौक से, मेरा जिम्मा लगा कि इनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है जो असल मुसलमानों के लिए, लेकिन एक सूडान के एक मुझे बहुत अच्छे इंसान मिले जो 17 साल से यहां पे थे, और उनका मैंने पूछगछ करनी होती है कभी लड़का कैसा है, ठीक है, अच्छे हैं, तो मैं उनके उस्तादों के पास गया, गवाल मंडी में एक मौलवी साहब हैं बहुत ही नेक अच्छे इंसान, उनसे मेरी फिर दोस्ती थोड़ी हो गई। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया जिसे सुन के मुझे लगा कि यहां पर भी हालात इतने अच्छे नहीं है, खासकर उस तबके में जिनके पास बेइंतहा पैसा है, और वो पैसा गलत तरह से है। पैसा होना बुरी बात नहीं है, पैसा ठीक तरह से इस्तेमाल हो और ठीक तरह से अर्न किया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, कहने लगे एक बाबा जी हैं जो इस्लामाबाद के एक बहुत पॉश सेक्टर में रहते हैं, अपने जमाने में कोई फेडरल सेक्रेटरी थे, बहुत ऊंची चीज थे, और बहुत पैसा वैसा कमाया उन्होंने जिसमें से ज्यादातर ठीक जराये से नहीं था, और वो अब कहते हैं हमारे पास आन के बैठे रहते हैं, 70-75 साल उम्र है, अब उनके जाने का टाइम आ गया है, तो वो कहते हैं मैंने दुनिया में जो कुछ किया अब मुझे उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, 3 मेरे बेटे हैं, बीवी की डेथ हो चुकी है, और तीनों हर तरह की बुराइयों में मुलव्विस हैं जो आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप उन्हें जाके समझाएं कि उनका मेरा जैसा हाल ना हो जाए, और जब इस उम्र को आ जाएं तो तौबा करें तो शायद अल्लाह ताला पता नहीं कितना उसे कबूल करे, तो आप उन्हें अभी से समझाने की कोशिश करें कि जरा राय रास्त पर आ जाएं। अब मौलवी साहब जरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी, वो बेचारे कहने लगे कि देखो जो बच्चे बाप की बात नहीं सुनते वो मौलवियों की बात कहां सुनेंगे आजकल जो हालात हैं। तो खैर ये बेचारे बहुत ज्यादा उनके इंसिस्ट करने पर कहते हैं हम उनकी कोठी पर गए, एक दो और साथियों को ले लिया, तो कहते हैं हमने जाके बेल करी, बाप ने कहा था कि मेरा नाम ना ले वहां पे, क्योंकि अगर आपने मेरा रेफरेंस दिया तो बात नहीं करेंगे। तो कहते हैं हमने जाके ऐसे ही जो बाई दिवे बात होती है कि हम आए थे, हमने सोचा अल्लाह का जिक्र करें, आपसे बातें करें, तो बच्चे बात सुनते ही कहने लगे कि जी आपको जरूर उस बुड्ढे ने भेजा होगा, वो हमारा भी दिमाग खराब करता रहता है, औरों को भी हमारे पास भेजता रहता है, और उनको वहां से निकाल दिया जो एक्सपेक्टेड था। तो ये बेचारे कहते हैं कि हम वापिस आ गए अपना फर्ज अदा करके,
और चार पांच दिन तक वो बाबा जी उनके पास नहीं आए, तो कहते हैं हमें उनसे इधर हमदर्दी हो गई थी कि क्यों नहीं आए हमारे पास दोबारा। कहते हैं फिर हम डरते डरते घर पे गए, तो इस दफा बच्चों के तासरात इतने बुरे नहीं थे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, उनका कल इंतकाल हो गया था रात को, उनके जिस्म से बू आ रही थी, हमने उनको बाहर रख दिया है, आप प्लीज अपने दोस्त को ले जाएं। उनके जनाजे पर वो बच्चे नहीं आए जिसके खातिर इस इंसान ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, सब कुछ किया, खराबियां की, रिश्वतें ली, कोठियां बनाई कि मेरे बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन असल चीज बच्चों को देने की होती है तालीम और तरबियत जब वो छोटे हों। बच्चों के सामने आप गलत बातें करते रहें, गलत चीजें करते रहें और फिर एक्सपेक्ट करें कि बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, वो तो दुआ मांगेंगे कि जाएं दुनिया से ताकि हम कब्जा करें इस चीजों पर। तो असल चीज जो बच्चों को देने की है वो तरबियत, तालीम और अपनी एग्जाम्पल है। तो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा था कि ये एक्चुअली मैंने देखी और सुनी है, जेलों की मिसालें, लोगों की मिसालें। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैंने बिल्कुल जनरल टाइप की चीजें दी हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात क्या बनाई है, हमारा मकसद हयात क्या था, हम खुद क्या हैं, अल्लाह क्या चाहता था हम बने और हम बन क्या गए हैं। तो पहली ट्रांसपेरेंसी जो है इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची का जो है ना, आपने पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने कि एलिस इन द वंडरलैंड का एक छोटा सा किस्सा कि बच्ची जो है वो अपने जंगल में चली गई है, मतलब माँ बाप उसे हिदायत नहीं देते होंगे, वो बिल्ली से बातें कर रही है खड़ी हुई, मतलब ये जो ख्वाब आते हैं उसे, तो उससे पूछ रही मैं किधर जाऊं, तो बिल्ली पूछ रही तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें जाना किधर है। वो कहती है कि मंजिल का तो मुझे नहीं पता मगर मैं कहीं ना कहीं जाना चाहती हूं। तो उसका जवाब बिल्ली कहती है कि अगर तुम्हें कहीं ना कहीं जाना है तो किसी तरफ मुंह उठा के चल पड़ो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगी। तो अगर हमें अपनी मंजिल नहीं पता, अपना किबला हमें नहीं पता, तो हमारा हाल बिल्कुल इस बच्ची की तरह है कि हम मुंह उठा के जिस तरफ चाहे चलते चले जाएं, कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या वो हमारी मंजिल होगी, क्या वो हमारा ठीक रास्ता होगा। तो हम बिल्कुल भटके हुए हैं इस बच्ची की तरह, जो जानवरों से पूछते फिर रहे हैं, हर एक से पूछ रहे हैं मैं किधर जाऊं, मैं कहां जाऊं, और ये नहीं पता हमें असल जाना कहां है, हमें अपना किबला भूल गया है, डायरेक्शंस भूल गई हैं और हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। असल टॉपिक जो लेक्चर का है वो ये है कि हमारी हकीकत और मकसद हयात, पहले हम देखेंगे कि दुनिया क्या है, कायनात क्या है और फिर इंसान क्या है। और इसमें अगर आप देखें कि हर एक जो है वो जो है ना किलेसदार गारे से इंसान बनाया गया, हमारी हकीकत क्या है, हकीकत हमारी वही है सबों की, वही हमारे अंदर एलिमेंट्स हैं, वही हमारे अंदर चीजें हैं जो हर एक इंसान के अंदर हैं। और वो जो कहते हैं कि ऊपर से इंसान कैसा भी लगे, असल अंदर से सब एक चीज है। मकसद हयात में आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हैं। हम कहते हैं कि इंसान मट्टी से बना हुआ है, और बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रांसपेरेंसीज में कि हमारी साख वाकई मट्टी से बनी हुई है। अगर आप इंसान का जिस्म देखें और कंपोजिशन देखें मट्टी और पानी को मिला के, तो एग्जैक्टली एक बनती है। तो नंबर वन हम कहते हैं इंसान तो कुछ भी नहीं है, मट्टी का ढेर है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम मट्टी का ढेर हैं, मट्टी से बने हैं, मट्टी में चले जाएंगे। और वो आप देखते हैं कि जब कब्रिस्तान लोग जाते हैं, जब किसी को हम दफनाते हैं तो 3 दफा मट्टी फेंकते हैं कब्र के ऊपर, तो दुआ पढ़ते हैं वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें मट्टी से बनाया है, मट्टी में हम जाएंगे, मट्टी से उठाए जाएंगे। 3 दफा जो फेंकते हैं हर दफा कि मट्टी से बने हैं, मट्टी में जाना है, मट्टी से उठाए जाएंगे। और वो वाकई नंबर वन कि हम सब वाकई मट्टी का ढेर हैं। फिर नंबर टू हम कहें जी इंसान तो जानवरों की तरह है, जैसे जानवर मारते हैं, शिकार करते हैं, खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो नंबर टू के अंदर वो स्टोन एज के लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं, उसे आग के ऊपर भून रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शिकार के लिए निकल जाते हैं। इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि खाएं पिएं सो जाएं जैसे जानवर हैं, कोई और मकसद नहीं है इनका। नंबर तीन के अंदर हम कहते हैं कि जैसे एक मकसद है इंसान का, एक फैमिली है, मियां हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, अच्छी फैमिली को आगे ले जाएं, उनको वो बातें बताएं जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है, और ये एक मकसद है जो डेफिनेट मकसद इंसान का है। नंबर चार हम सब कुछ दुनिया को भूल जाएं, मस्जिद में जाके हम अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें और बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेनियाज हो जाएं, जैसे साधु करते हैं, पीपल के दरख्त नीचे बैठ गए और दुनिया को भूल गए बिल्कुल। या नंबर पांच है कि हम फिरौन बन जाएं, हम सोचें कि हम तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन गए हैं, दूसरों पर हुकूमत करें, जैसे फिरौन का था, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया। नंबर छह है कि हम रिसर्च करें, काम करें, पढ़ें लिखें। या 6, 7, 8 है कि रिसर्च करें या डिफेंस के लिए काम करें, मुल्क की कौम के लिए काम करें, डिस्ट्रक्शन के लिए काम करें। एक अच्छा इंसान जो है इन सब चीजों का मुरक्कब है, सब चीजें ठीक हैं। हमें अल्लाह ताला के आगे झुकना भी है, हमें खाने पीने का इंतजाम भी करना है, प्यार मोहब्बत भी फैमिली को देनी है, रिसर्च भी करना है, डिफेंस के लिए भी काम करना है। एक अच्छा इंसान वो होगा जो एक
कम्बिनेशन होगा इन सब चीजों का। किसी चीज से अगर आप गाफिल हो जाते हैं तो आप एक पूरे इंसान नहीं होंगे। खाने पीने का इंतजाम, प्यार मोहब्बत है, कभी कभी फिरौनियत भी इंसान को करनी पड़ती है, जैसे आप अपने बच्चों के साथ डांट डपट भी करना पड़ता है, लेकिन वो फिरौनियत वो नहीं है कि आप अपने आप को कुछ समझने लगे हैं। किसी को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए थोड़ी बहुत डांट डपट आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं, आप अपने छोटे से करते हैं, तो वो भी एक पार्ट है इंसान की फितरत का, लेकिन उसे ठीक डायरेक्शन में इस्तेमाल करना, रिसर्च करना, तालीम देना, वेपन्स बनाना, ये सब चीजें इंसान की फितरत में हैं। और इसको एक बैलेंस तरीके से हम अगर करें तो हम अच्छे इंसान हैं, अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो हम एक गलत इंसान बन जाते हैं। अब देखें, हम शुरू करेंगे जो पहला जो ट्रांसपेरेंसी है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया, कहां पर पैदा किया और हम किस जगह पर इस वक्त बैठे हैं। ये जो आप देखते हैं ना, कायनात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्स का, ये इसमें मुझे भी ये डॉट्स जो है ना, एक एक डॉट में हजारों डॉट्स हैं। ये एक तस्वीर ली गई है, सबसे स्ट्रांग टेलीस्कोप जो थी उससे कायनात की तस्वीर लेने की कोशिश की है, और ये 4-5 साल पहले की तस्वीर है। इसमें उन्होंने टेलीस्कोप से लिया, फिर माइक्रोस्कोप से देखा कि ये डॉट्स जो हैं, हर एक डॉट में हजारों डॉट्स इन्वॉल्व हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। जो तस्वीर ली है कायनात की, ये 1 मिलियन गैलेक्सीज तो यहां नजर आ रही हैं, लेकिन ये कायनात का एक छोटा सा पार्ट है जो उन्होंने फोटोग्राफ किया है। पूरी कायनात में कितनी गैलेक्सीज हैं इसका अंदाजा इंसान को नहीं है। लोग कहते हैं कि 100 बिलियन गैलेक्सीज होंगी, कोई कहता है इससे भी ज्यादा होंगी, और हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं। कायनात का साइज इतना बड़ा है कि इंसान सोच नहीं सकता। पिछले जुलाई में एक न्यूज वीक आया था, इसमें एक आर्टिकल था, उसका नाम था साइंस फाइंड्स गॉड के नाम से, कि बहुत से साइंटिस्ट जब वो देखते चले जा रहे हैं अल्लाह ताला की क्रिएशन को, तो वो इस लिमिट पे आ रहे हैं कि जी हमें तो एक थोड़ी सी बातें पता हैं, अल्टीमेट ट्रूथ तो अल्लाह ताला ही को पता है, और कायनात उसमें से एक चीज है जिसका इंसान अब तक पता नहीं चला सका कि 100 बिलियन गैलेक्सीज कम अज कम कायनात में है, और एक गैलेक्सी का साइज क्या है। अगली ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप देखेंगे जो हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, इस तरह की बिलियंस अरबों गैलेक्सीज हैं, और ये हमारी गैलेक्सी है। ये जो मिल्की वे जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी अपनी गैलेक्सी जो है, इसका नाम है मिल्की वे, और इसे हम ऊपर से देख रहे हैं, स्पाइरल टाइप की चीज है। और इसके अंदर आप देखें कि जो हम कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम, जो सूरज है, वो आप देखते हैं कि ये यहां पे सूरज है जो हमने बहुत बड़ा करके दिखाया है, लेकिन सूरज आमतौर पर दिखाई भी नहीं देता, इतना इसका गैलेक्सी का साइज है कि सूरज एक डॉट से ज्यादा भी आपको नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग सोलर सिस्टम में रहते हैं इसलिए सूरज को बहुत बड़ा करके दिखाया है। अब इसका साइज क्या है एक गैलेक्सी का, कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी का साइज आप देखें कि इसका जो डायमीटर है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए रोशनी को 100,000 साल चाहिए। 100,000 साल कितने हुए, 1,00,000 साल में रोशनी एक किनारे से दूसरे किनारे पे ट्रेवल करती है। अब सूरज की रोशनी हम तक कितनी देर में आती है, 8 मिनट के अंदर, मतलब उसकी स्पीड देखें कितनी ज्यादा है, और 8 मिनट में सूरज से हम तक 10 करोड़ मील रोशनी ट्रेवल करती है। अब यहां पर रोशनी हम मीलों में नहीं नाप रहे डिस्टेंस, हम कह रहे हैं कि लाइट ईयर्स, नूरी साल, कि 100,000 1,00,000 सालों के अंदर रोशनी एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंची, और ये एक गैलेक्सी है कायनात के अंदर। इस तरह की बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस इतना है कि लाखों साल में रोशनी वहां से यहां तक पहुंचती है, यानी हर एक गैलेक्सी मूव कर रही है, करोड़ों साल में एक गैलेक्सी अपना चक्कर पूरा करती है, सूरज उसमें मूव कर रहा है, दूसरे प्लैनेट उसमें मूव कर रहे हैं, हर चीज गर्दिश में है। जैसे आपने एटम देखा है ना, एटम का सुना है कि न्यूक्लियस सेंटर में है, एक डॉट के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्बिट्स में, तो इसमें जितने भी सैयारे हैं, एक गैलेक्सी में मिलियन सैयारे हैं, हर एक के चारों तरफ दूसरे सैयारे घूम रहे हैं, और ये सब चीजें खुद घूम रही हैं चारों तरफ। तो ये एक गैलेक्सी की तस्वीर है जो कायनात का एक डॉट से भी कम है, और हम उस गैलेक्सी का न होने के बराबर एक हिस्सा है। अब इस गैलेक्सी के अंदर देखिए, हम आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। पहले कायनात की थोड़ी तस्वीर देखी, फिर हमने गैलेक्सी को देखा जिसमें हम लोग हैं, अब हम सोलर सिस्टम के ऊपर आ गए। अब ये हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हम कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जमीन है, हमारा तो महल है, यहां पे कोठियां हैं। अब सूरज को देखें और सूरज के प्लैनेट्स को देखें आप, जमीन उनमें से एक है, और जमीन का साइज देखें बाकी प्लैनेट से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सौ से ये छोटी है और चंद से बड़ी है जमीन। तो जमीन पे हम रहते हैं जो एक छोटा सा प्लैनेट है जो सूरज के गिर्द घूमता चला जा रहा है, और सूरज के प्लैनेट जमीन से बहुत बड़े बड़े भी हैं। जुपिटर को देखें, यूरेनस को देखें, सैटर्न को देखें, जो जमीन से बहुत बड़े साइज के हैं, और इस जमीन पे हम रहते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे आबाद किया, और यहां पे बैठ के हम समझते हैं कि हम नाउज़ुबिल्ला
क्या बन गए हैं, हमें सब कुछ पता है। हमें इस प्लेनेट के अलावा और चीजों का पता ही कुछ नहीं है, और हम क्लेम करते हैं कि मतलब अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह नहीं है और हम सब कुछ जानते हैं। अब हम जमीन पर आ जाते हैं कि हमारी जमीन क्या है। अब जब देखें ये जमीन आ गई हमारी, अब जमीन को देखें जो बिल्कुल एक ना होने के बराबर, जो कुरान शरीफ में भी जगह जगह जिक्र है ना कि मक्खी के पर की, मच्छर के पर की, भाई तुम समझते क्या हो, तुम हो क्या चीज। तो पूरी कायनात में जमीन का मुकाम आप देखें क्या है। अब जमीन का साइज बहुत छोटा है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। पूरा डायमीटर इसका देखें 6000 मील के करीब है। अब इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, एक हवा है, एक पानी है जिसे हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मतलब इंसान का आगाज हुआ। सबके लिए कॉमन चीजें अल्लाह ने रख दी, वही पानी जो था, वही हवा जो थी, वही हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं। फिर हम लड़ाइयां कर रहे हैं एक दूसरे से, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एज इफ हम यहां हमेशा रहेंगे इस छोटे से डॉट के ऊपर। तो ये हमारी जमीन है। फिर हम इंसान पे आ जाते हैं कि जमीन पे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और किस वजह से क्या क्या चीजें इंसान से मुंसलिक की। जॉन व्हीलर एक शख्स हैं कि इनका फील्ड वही है जो हम लोगों का फील्ड है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इंसान है ये, और जो वर्ल्ड वार टू से पहले जो एटॉमिक वेपन बना था उस टीम में ये शामिल थे। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी पे बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन रिसेंटली ये काफी दीन की तरफ माइल हो गए हैं। इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जिसके अंदर ये खुद ही पूछते हैं कि व्हाई शुड यूनिवर्स एग्जिस्ट एट ऑल, यूनिवर्स क्यों होनी चाहिए, यूनिवर्स का मकसद क्या है। हर एक पूछता है कि भाई क्या ये इतनी बड़ी चीज बनी है, इसमें क्या अल्लाह ताला का मकसद क्या है, क्यों ये सब कुछ बनाया, हमें क्यों बनाया इसके अंदर। फिर खुद ही जवाब देते हैं उसका, आंसर शुड बी सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल दैट व्हेन वी नो वी विल ऑल से हाउ कुड इट बी अदरवाइज। कि अगर हम सोचना शुरू करें और देखें तो हमें जवाब बहुत सिंपल सा लगेगा कि ये तो इसके अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। और फिर खुद ही पूछते हैं कि हाउ कुड द यूनिवर्स एग्जिस्ट एंड मेक सेंस अनलेस इट वर गारंटीड टू गिव राइज एट सम पॉइंट टू लाइफ, माइंड एंड मीनिंग। कि किसी वक्त अल्लाह ताला को यहां पे कोई लाइफ क्रिएट करनी थी, कोई माइंड क्रिएट करना था सोचने वाला, ताकि सोचे कि क्या चीज बनाई है अल्लाह ने। इज मैन एन अनइम्पॉर्टेंट बिट ऑफ डस्ट ऑन एन अनइम्पॉर्टेंट प्लेनेट इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस। क्या इंसान ऐसे ही मट्टी का एक पीस है, इसका कोई मकसद नहीं है, क्या अल्लाह ने इसको ऐसे ही पैदा कर दिया है। और फिर खुद ही कहते हैं कि नेसेसिटी टू प्रोड्यूस लाइफ लाइज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और द होल थिंग इज डिजाइन फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये जो है ना, ये हमारे जो प्लेनेट है, बाकी कायनात में क्या कुछ है उसका हमें अभी नहीं पता, और हमें मालूम भी नहीं कि वहां कौन कौन सी लाइफ हैं, किस तरह की चीजें हैं। हमें तो सोलर सिस्टम के मुतालिक भी अभी पूरी तरह मालूमात नहीं है। अब देखें कायनात के मुतालिक कि अल्लाह ताला ने जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, अपनी बेपाया ममलकत के हिस्से में जिसे हम जमीन कहते हैं इंसान को पैदा किया। कायनात के बारे में अब तक इंसानी मालूमात न होने के बराबर हैं। चंद बातें जिससे कायनात की वसत और बनावट का कुछ एहसास हो सकता है हस्ब ज़ैल हैं। हमारी जमीन से लाखों गुना बड़े अनगिनत सियारे और हमारे सूरज से हजारों गुना रोशन तारे कायनात में घूम रहे हैं। कायनात में लाखों करोड़ों अरबों कहकशाएं मौजूद हैं, जिस कहकशा में हमारा पूरा निज़ाम शमसी है उसमें कम अज कम 1 खरब दूसरे तारे मौजूद हैं। मतलब हमारे अपने जो गैलेक्सी है उसके अंदर 1 खरब तारे मौजूद हैं। मतलब ये खरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में खरबों तारे हैं। हमारी कहकशा से नजदीक तरीन दूसरी कहकशा इतने फासले पर है कि वहां से रोशनी 1,86,000 मील फी सेकेंड की रफ्तार से तय करके 10 लाख साल में यहां तक पहुंचती है। ये डिस्टेंस है एक गैलेक्सी से दूसरी का, क्योंकि सब मूव कर रही हैं, आपस में टकरा नहीं रही और चलती चली जा रही हैं जब से हम सोच रहे हैं। चंद साल पहले दूसरी कहकशाओं में से एक कहकशानी निजाम के मुशाहदे से अंदाजा लगाया गया है कि जो शुआएं वहां से हम तक पहुंच रही हैं वो 4 अरब साल पहले या उससे भी पहले वहां से रवाना हुई होंगी। मतलब जो रोशनी आ रही है, और बहुत से लोग कहते हैं कि अब हमें पता भी नहीं वो कहकशां है भी या नहीं है, कौन सी चीज मौजूद है कौन सी नहीं है। ये टाइम का अंदाज हम कैसे लगाते हैं, ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट से लगाते हैं। ये भी बहुत ही रफ आइडिया है, हो सकता है फासला इससे ज्यादा हो, फासला इससे कम हो। जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका कुदर तकरीबन 80,000 नूरी साल है, लाइट ईयर्स। सूरज उसके मरकज से तकरीबन 30,000 नूरी साल दूर है। सूरज बमा अपने करीबी और पड़ोसी तारों के 200 मिलियन सालों में गर्दिश पूरी करता है। सूरज भी घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, सब चीजें घूमती चली जा रही हैं। तो ये और टकरा नहीं रही आपस में। कायनात के बारे में इंसान का इल्म बिल्कुल नामुकम्मल है। हो सकता है जो कुछ कायनात का हिस्सा हमारे इल्म में है वो पूरी कायनात के मुकाबले में
वो नस्बत भी ना रखता हो जो कतरे को समंदर से है, तो हमें अभी कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ बनाया है, और फिर हम क्लेम करते हैं हमें सब कुछ पता है। तो जो ज्यादा जानते चले जाते हैं वो झुक जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं पता वो समझते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। वो जो एक मुहावरा आपने सुना होगा, नीम हकीम खतरा ईमान वाली बात, इसे कुछ भी नहीं आता वो समझते हैं मुझे सब कुछ आता है। और जब आप समझना शुरू करते हैं तो आपको मालूम होता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो जिसको आता है वो तो झुक जाता है, जिसको नहीं आता वो उसमें घुमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, वो कम्प्लेक्स का शिकार होता है, पता कुछ नहीं, लोगों को बताता है मुझे सब कुछ आता है। अब इंसान पे हम आ जाते हैं कि कायनात जमीन अब इंसान पे आ गए। अल्लाह ताला ने अपनी जो पाया ममलकत के उस हिस्से में जिसे हम जमीन कहते हैं और जिसका पूरा वजूद पूरी कायनात में न होने के बराबर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए नस्ल इंसानी का आगाज किया। शुरू ही से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों के जरिए इंसान की हकीकत और मकसद हयात वाजा कर दिए गए। चंद चीदा चीदा बातें हसब ज़ैल हैं। नंबर वन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख पर बनाया, जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया और फरिश्तों से उसे सिजदा करवाया। इबलीस जिसने अपने घुमंड और गुरूर की वजह से सिजदा करने से इनकार कर दिया और नाफरमानों में शामिल हो गया और इंसान के लिए हमेशा के लिए जरिया आजमाइश बना दिया गया। जमीन और उसके गिर्द नवा की बेशुमार चीजें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, उसे सोचने समझने की सलाहियतें दी और बुराई और भलाई में तमीज बताई। इंसान को कुछ खुद मुख्तारी दी गई और अपनी जिंदगी के इख्तियार में आजाद छोड़ दिया गया, ख्वाह वो इताअत का रास्ता हो या नाफरमानी का। बाद इंसानों को दूसरों की निस्बत ज्यादा बुलंद दर्जात दिए गए ताकि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंसान को दिया है उसके जरिए उसकी आजमाइश करे, और बाद इंसानों को दूसरों की निस्बत बाद चीजों से महरूम कर दिया गया ताकि उनकी महरूमी के जरिए उनकी आजमाइश की जाए। अब ये जो हमारे पास है या नहीं है, इसमें जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे ये क्यों नहीं मिला जो उसको मिला है, ये भी कुफर वाली बातें हैं कि अल्लाह ने तो किसी को दे के आजमाना है, किसी को ना दे कर आजमाना है। और असल खुश लोग वो हैं जो सबर शुक्र करने वाले हैं, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बहुत कुछ है, लेकिन ये उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको तो अल्लाह ने आजमाने के लिए दिया है, उसका दिल तो तंग होता चला जा रहा है मिलने के बाद, तो आप क्यों ऐसा कहते हैं कि उसे क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला। हमें तो मेहनत करनी चाहिए, मुशक्कत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, फिर जो अल्लाह दे दे उस पर सबर शुक्र, ये इंसान का काम है। लेकिन हिर्स करना, दूसरों की चीजें देख के हसद करना, ये इंसान को अंदर से खाई चली जाती है चीजें, उसको खुश नहीं रहने देती। जो लोग दूसरों का देख के टेंस होते रहते हैं वो हमेशा ना खुश होते हैं, उनको ज़हनी सुकून कभी नहीं मिल सकता। अच्छी हालत पर शुक्र और मुश्किल हालत पर सबर में ही इंसान की असल कामयाबी है, बशर्ते कि अल्लाह ताला की रजा के लिए हो। इंसान पर वाजा कर दिया गया कि दुनिया आरज़ी ठिकाना है, इम्तिहान की जगह है, कामयाबी की सूरत में अबदी राहत और मुसर्रत, जबकि दूसरी सूरत में हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब और तकालीफ है। अब देखें सूरह यूनुस के अंदर वही बातें हैं कि हम क्या अपनी आंखें नहीं खोलते, क्या हम चीजों को देखते नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जमीन और आसमानों में जो कुछ है तुम उसे आंखें खोलकर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनको दलाइल और तंबीहें कुछ फायदा नहीं देती। हम देखते ही नहीं है चारों तरफ, सोचते ही नहीं है, आंखें बंद करके चलते चले जाते हैं कायनात को, चीजों को। वो कहते हैं कि आप चलें, तदब्बुर करें, सोचें, और अगर आप चारों तरफ देखना शुरू करें तो अल्लाह ताला आपको हर चीज में नजर आता है कि ये सब अल्लाह की क्रिएशन है। लेकिन अगर हम अंधे हैं, देख नहीं रहे, बहरे हैं, गूंगे हैं, तो फिर अल्लाह हमें अपनी तरफ रुजू की भी वो नहीं देता। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजर हैं कि वही बुरे दिन देखे जो उनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। कह दीजिए कि अच्छा तुम इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं, और फिर जब ऐसा वक्त आता है हम अपने रसूलों को जो ईमान लाए हैं बचा लिया करते हैं। इस तरह हमारा ये जिम्मा है कि हम ईमान वालों को निजात दें। अब ये कि देखना, रिसर्च करना, ढूंढना, ये सब अल्लाह ताला ने बताया है कि करें, और हमने उससे आंखें बंद कर ली हैं अपनी। अब ये कुरान शरीफ में जगह जगह ये चीजें हैं कि वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ नाज़िल करता है, मगर इन निशानियों के मुशाहदे से सबक सिर्फ वही शख्स लेता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम रुजू करने वाले ही नहीं हैं तो फिर हमें कोई निशानियां, कोई चीजें, कोई नजर नहीं आएगा। कि अगर अल्लाह की तरफ आपका ध्यान एक दफा हो जाए तो फिर आपको ये चीजें खुद ही खुद कि अल्लाह ताला फिर रास्ता आसान करता चला जाता है। क्या ये किसी खालिक के बगैर पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या जमीन और आसमानों को उन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं है, फेथ नहीं है हमारा, और हम बगैर सोचे समझे चलते चले जा रहे हैं। अब इनसे पूछो कि इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों को जो हमने पैदा कर रखी हैं, उनको तो हमने लेसदार गारे से
पैदा किया है, यानी कायनात को देखें, अपनी गैलेक्सी को देखें, जमीन को देखें, चीजों की मूवमेंट्स को देखें, तो अल्लाह ताला ने सब चीजें पैदा की हैं। क्या ये मुश्किल है? या इंसान को बनाना अल्लाह के लिए मुश्किल था, उसको दोबारा उठाना अल्लाह के लिए मुश्किल है? तो ये बार बार कुरान शरीफ में चीजें आई हैं कि हम गौर करें, तदब्बुर करें, सोचें, अंधे ना बन जाएं, बहरे ना बन जाएं, और सब चीजें आपको अल्लाह की तरफ लेती चली जाती हैं। अभी थोड़ा सा हम आ जाते हैं दूसरी तरफ कि इंसान की साख्त क्या है। सूरह 3 में ना कि इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, लेकिन आप देखें उसके कंपोनेंट्स क्या हैं इंसान के जिस्म के। आपके लिए सबसे कीमती चीज तो आप खुद है ना, आपकी प्रॉपर्टी, कारें, बंगले तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं है, क्या वैल्यू है उनकी? तो अगर आप कहें जी कि मेरे जिस्म की क्या कीमत है, कीमत देखने के लिए मैं कहूंगा मेरे अंदर क्या कुछ है, तो ये एलिमेंट्स हैं इंसान के अंदर। अगर आप कहें कि मेरे पूरा कंपोजिशन मेज पे लेके रख दें, तो मेरे जिस्म में 61% ऑक्सीजन है जो आप हवा में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं, इसमें 23% कैल्शियम है, चूना जिसे आप कहते हैं, हाइड्रोजन 10% है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम है, सोडियम है, ये सब चीजें जो तरतीब दे रखी है इस परसेंटेज में है। अगर एक 60 किलोग्राम का आदमी है तो आप कहेंगे जी इसके अंदर तकरीबन 40 किलोग्राम तो ऑक्सीजन है सिर्फ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला लें 60% वो है उसके अंदर पानी, और बाकी जमीन के अंदर जो जो चीजें हैं वो सब उसके अंदर हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर, यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड सब मौजूद है वहां पे। तो ये कंपोजिशन इंसान की है एक, मतलब ये इसका फिर और जो एलिमेंट्स हैं वो इससे भी कम है, वो मैंने दर्ज नहीं किए, लेकिन यूरेनियम गोल्ड तक जाता है जो पार्ट्स पर मिलियन इंसान के जिस्म में है। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं कहूं जी मेरे जिस्म की कीमत क्या है, और इन सब चीजों को मैं अपने जिस्म से अलग करके यहां रख देता हूं मेज के ऊपर, और मैं कहता हूं इसकी मार्केट प्राइस क्या है, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, तो आजकल के रेट पे उसकी मार्केट प्राइस $6 है, कि मैं सब चीजें जो मेरे जिस्म से निकली वो $6 में बिक जाएंगी। अब आप कहेंगे $6 मतलब ये कितना पैसा लगेगा इनको सेपरेट करने में, क्योंकि ऐसे तो नहीं मेज पे रख दी जाएंगी, वो केमिकल प्लांट्स चाहिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स चाहिए, उनको फिर आप निकालेंगे, उसमें आपके $6,000 खर्च होंगे। $6,000 खर्च करके आपने $6 कमाए, आप कहेंगे पागल है इंसान, ये तो मट्टी का ढेर है, इसको दबा दो, बेकार चीज है। तो अल्लाह ताला ने ये कंपोजिशन हमारी बनाई, और ये कंपोजिशन एग्जैक्टली वही कंपोजिशन है कि आप मट्टी को समंदर के पानी में गूंद लें, ऊपर के 4-5 किलोमीटर मट्टी और समंदर का पानी, उसमें गूंद के आटे की कैफियत बना लें और उसकी कंपोजिशन देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली ये कंपोजिशन आती है वो जो कुरान शरीफ में है कि लेजदार गारे से इंसान को बनाया, एग्जैक्टली वही कंपोजिशन जो समंदर को मट्टी के अंदर गूंद के बनती है, वही मट्टी का ढेर जो इंसान का जिस्म है, वही कंपोजिशन उसकी है जो इसकी है। यानी कि हमारी कंपोजिशन, हम मट्टी से बने, मट्टी में चले गए और मट्टी से फिर उठाए जाएंगे। तो ये हमारी हकीकत है कि हम, लेकिन फिर देखें अल्लाह ताला ने यहां से हमें क्या बना दिया। अगली ट्रांसपेरेंसी के अंदर इंसान की साख्त है कि अल्लाह ने मट्टी से तो बनाया, लेकिन हमें कैसे अशरफुल मखलूकात बनाया, कैसे हमें घोड़ों से, गधों से, कुत्तों से बेहतर बनाया, तो वो देखें अगली ट्रांसपेरेंसी में। साख्त है इंसान की, हमारे दिमाग की, हमारे दिल की, हमारे हाथों की। जो लोग कहते हैं मैं बड़ा हुसैन हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं वो हूं, सब एक है अंदर से। असल इंसान वो है जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसका दिमाग अच्छा काम करता हो, जिसके अमाल अच्छे हों, मतलब ये असल हकीकत हर एक की ये है। और थोड़े दिनों बाद यही इंसान नजर आता है, फिर ये भी मट्टी में मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर असल चीज इंसान को अल्लाह ने क्या दी है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन, द सुपर कंप्यूटर। और जानवरों का ब्रेन देखें, इंसान का ब्रेन देखें, तो आपको सूरह 3 याद आ जाएगी कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। इंसान का जो ब्रेन है ना, असल जो इसके अंदर है वो मैटर करता है ना, इसके ऊपर जो चीजें मैटर करती है ना, ये हड्डी मैटर करती है, ये चीज है जो असल अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। एक एक हिस्सा इंसान के जिस्म का, इसे देख के आपको आइडिया होगा कि पूरा इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने कितने प्यार मोहब्बत से, कितनी अच्छी तरह बनाया, और उसे कहा भी ये काम करो, ये ना करो। अब ये ब्रेन जो है, ये जानवरों के ब्रेन से इसको देखें तो वो बिल्कुल जैसे एक रफ चीज होती है, जैसे टाट होती है, फिर एक मखमल होती है, दोनों लगते हैं ऊपर से एक जैसे, लेकिन उसके अंदर से स्ट्रक्चर देखें तो इंसान का ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है जानवरों के ब्रेन से। अब जब बच्चा पैदा होता है, आप देखते हैं कि बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है, मतलब जिस्म के मुकाबले में तकरीबन 350 ग्राम उसका ब्रेन होता है, जो ग्रे मैटर हम कहते हैं जिसको। जब वो पूरा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, तो ब्रेन का साइज तकरीबन 1 किलोग्राम से जरा ज्यादा हो जाता है, 3 गुना दिमाग का साइज बढ़ता है। लेकिन बॉडी का साइज कितना बढ़ गया, बेइंतहा ज्यादा बढ़ गया, मतलब वो 70-80 किलोग्राम का हो गया चंद किलोग्राम से। तो ब्रेन साइज 3 गुना हुआ, बॉडी साइज कई गुना हो गया। बच्चा जब पैदा होता है उसकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे की तालीम और तरबियत डे 1 से हमें शुरू करनी होती है। ये नहीं कि बच्चा समझ जाए
उस वक्त तो नासमझ हो चुका होता है जब उसे बताना शुरू करते हैं। डे वन से उसे सब चीजें नजर आ रही हैं, आपके किरदार, आपके अमाल, आपकी बातें, आपका गुस्सा, आपकी लड़ाइयां, सब बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। तो ये ब्रेन जो है जब फुली ग्रो हो जाता है तो इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, थिंकिंग सेल्स जिसे हम कहते हैं, एक इंसान के दिमाग में जो नॉर्मल इंसान है, जो थिंकिंग सेल्स हैं जिसे न्यूरॉन्स हम कहते हैं, वो 100 बिलियन होते हैं। 100 बिलियन, दुनिया की आबादी 6 बिलियन से कम है, 100 बिलियन कितने हुए, दुनिया की आबादी से बहुत ज्यादा, यानी कि एक ब्रेन के अंदर 100 बिलियन थिंकिंग सेल्स हैं। और ये सब सेल मिले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जो फिर आपको मैसेज दे रहे हैं बॉडी के अंदर कि ये करना है, नहीं करना है, सोच रहे हैं आप। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे न्यूरॉन्स मिले हुए हैं, उसकी लंबाई अगर आप नापें तो उसे चांद तक ले जाएं, फिर वापस ले आएं, फिर भी वो नहीं पूरा होता, यानी कि दिमाग के अंदर क्या कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। और ये थिंकिंग पावर्स हैं आपकी जो आप सोच रहे हैं, और अल्लाह ने आपसे कह दिया कि ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं, मैं तुम्हें सुपर कंप्यूटर दे दिया है, अब तुम आजाद हो, जो मर्जी करो, कोई तुमसे पूछगछ नहीं होगी, पूछगछ जब होगी जब मेरे पास वापिस आओगे। ऐसा ये है ह्यूमन लंग की तस्वीर, है ना। हम कहते हैं फेफड़े क्या चीज है, तो कोई भी चीज नहीं है, नहीं आप कहते हैं तो बस हवा अंदर कर ली, बाहर कर दी, इसका क्या चीज है। इसकी साथ आप डिटेल में देखें तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लंग्स में जो हम कहते हैं कि केमिकल प्लांट्स, इसे हम कहते हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लंग्स के एंड के ऊपर होता है। अगर आप लंग्स को देखें, एक दरख्त के मुशाबा है, ये दरख्त को उल्टा कर दें, उसका तना ऊपर कर दें, टहनियां नीचे कर दें, इसी तरह ये आपके लंग्स हैं। वो जो आपका विंड पाइप है, ये तना है दरख्त का, और फिर टहनियां बारीक होती चली जाती हैं, छोटी होती चली जाती हैं, कोपले आ जाती हैं, फल लगते हैं उसमें। तो जो लंग्स के सबसे नीचे का जो हिस्सा है, जहां पे बिल्कुल बारीक शाखें होती चली जा रही हैं, उसके ऊपर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जमा है, एल्वियोलस सिंगल बैलून की है। जब बच्चा पैदा होता है तो 30 मिलियन एल्वियोलाई उसके अंदर होते हैं। ये क्या है एल्वियोलाई? ये केमिकल प्लांट्स हैं। ईच एल्वियोलस इज ए केमिकल प्लांट, और ये ऑक्सीजन आप खून के अंदर ले जाते हैं, खून में से इम्प्योरिटीज वापिस आ जाती हैं। जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन खून में चली गई और उसकी इम्प्योरिटीज वापिस इस मेम्ब्रेन में से आ गई। ये सब केमिकल प्लांट्स हैं। जब इंसान जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 300 मिलियन उसके अंदर एल्वियोलाई हो जाते हैं। अब ये लंग्स आप देखें कि आपने बकरे का देखा होगा कुर्बानी के बाद, उसका वो जो फेफड़े हैं, बबल्स आपको नजर आते हैं हवा के, वो सब ये केमिकल प्लांट्स हैं। इंसान का स्ट्रक्चर बहुत फाइन है उसके मुकाबले में। तो ये सब केमिकल प्लांट्स, और ये खत्म होते चले जाते हैं। हम कहते हैं ना कि स्मोकर्स जो हैं वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गए हैं। तो क्या होता है कि ये पार्टिकल जो है स्मोक के, या जो पोल्यूशन के एरिया में लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, तो छोटे पार्टिकल जो है अंदर चलते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो इनको पंक्चर कर देते हैं, इन एल्वियोलाई को। जब ये पंक्चर होने शुरू होते हैं तो आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन की स्पीड कम हो जाती है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं। हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गया इंसान, तो उनके ये एल्वियोलाई डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, स्मोकर्स के भी खास तौर पे। तो आजकल देखें वेस्ट में स्मोकिंग बंद हो गई है, हमारे यहां जारी है, वहां तो अब कोई स्मोक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हमारे यहां बंद हो गई, हमारे यहां एडवर्टीजमेंट होती चली जा रही है, और ये बच्चे यंग जो पी रहे हैं, जो जवान लोग पी रहे हैं, तो ये हमारे एल्वियोलाई को इफेक्ट करते हैं। अब दिल को देख लीजिए। अब इंसान का दिल हम कहते हैं तो गोश्त का एक लोथड़ा है, साइज क्या है आपकी, फिस्ट के बराबर है आपके दिल का। अब इसमें देखें कि क्या ये कर रहा है ये दिल। अगर आप पूरी ब्लड वेसल्स को इंसान के जिस्म में देखें, छोटी होती चली जाती हैं, आपकी उंगलियों में आ रही हैं, पांव में जा रही हैं, हर तरफ जा रही हैं, तो एक इंसान के जिस्म में टोटल ब्लड वेसल्स की जो नाप है वो 60,000 मील है। मतलब आपके जिस्म में पूरी ब्लड वेसल्स, दुनिया का डायमीटर क्या है, 8-9 हजार मील, यानी कि दुनिया के कई चक्कर लगा ले और एक मिनट में आपका दिल कितनी दफा पंप कर रहा है, 70 टाइम्स, हर दफा 60,000 मील ब्लड पंप हो रहा है, और बेचारा दिल काम किए चला जा रहा है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, दिल काम करता चला जा रहा है और थकता भी नहीं है, 60-70 साल तक पंप कर रहा है। छोटा सा आप स्टेनलेस स्टील की चीज बनाए, जंग लग जाता है, 2-4 साल बाद रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर भी हार्ट अटैक वगैरह होता है, लेकिन चलता चला जाता है जब तक चलता है। इसका पंपिंग रेट देखें, टोटल ब्लड जो पंप करता है वो अपनी लाइफ टाइम में, जो 60 साल हम कहते हैं, 180 मिलियन गैलन ब्लड पंप कर चुका होता है, छोटा सा हिस्सा। तो ये अल्लाह ताला ने हमारा एक दिल बनाया है, अगेन इसकी साख दूसरों से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। जो कहते हैं ना, बेहतरीन साख में अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया है। अब देखें इंसानी हाथ है, एक एक हड्डी को उसको देखें, और उसके ऊपर मसल्स का, और उसके ऊपर मूवमेंट्स देखें। अब इंसानी हाथ भी जो है ना, वो आप देखें कि ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अगर हाथ की जगह आप इमेजिन करें कि हमारे खुर होते,
दिमाग आपका है, सब कुछ है, आप मशीन ऑपरेट नहीं कर सक रहे, कार नहीं चला सक रहे, हवाई जहाज नहीं चला सक रहे, तो इंसानी हाथ जो है ना वो अल्लाह ताला की एक स्पेशल चीज है। किस लिए अल्लाह ने ऐसा अच्छी चीज बनाई कि आप इजाद करें, आप काम करें, लेकिन आपके सब कुछ होता और हाथ ठीक ना होते तो फिर क्या बनता हमारा? इसके मुतालिक एक स्टेटमेंट है। आगे एक ग्रीक है जो सबसे पहले यूनानी डॉक्टर थे, जिन्होंने कुछ किताबें सबसे पहले मेडिकल टिप की लिखी थी। इन्होंने हर चीज के मुतालिक लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ हाथ के मुतालिक पढ़ देता हूँ यहाँ पे। इनका नाम था क्लॉडिनस गैलिनस। अल्लाह ताला की वैधानियत पर पूरे यकीन रखते थे और दुनिया, कायनात और खास तौर पर इंसान की साख से बहुत मरूब मालूम होते थे। इंसान की साख के मुतालिक उनके तासरात कुछ यूं थे। इंसान के जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला ने बहुत बारीकी, उमदगी और बेहतरीन साख पर बनाया है। इनमें से इंसानी हाथ की मिसाल देते हुए उन्होंने लिखा है, इसमें हर एक मसल, हर एक नर्व, टेंडन, बोन, ब्लड वेसल को इस तरह इकट्ठा किया है कि इससे बेहतरीन इन चीजों का मिलाव कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरा काम इंसानी जिस्म की साख की तफसीली जायजे के बाद यह है कि लोगों को बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है और इंसानी जिस्म किस तरह काम करता है। मतलब हर हिस्सा आप देख लें, किडनी को देख लें, किसी और चीज को, तो इतना अल्लाह ने प्यार मोहब्बत से इंसान को बनाया, फिर अपने अहकामात बताए और फिर छोड़ दिया कि भाई तुम ये फॉलो करो, और फिर इंसान हाथ को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है इंसान, और ये चीजें जो हम कहते हैं ना कि सब कुछ अल्लाह ने किया, और फिर हम दुनिया के हालात देख रहे हैं। अब ये हमारे ड्राफ्टमैन है, प्रोडक्टिव उनका माइंड है, तो उनसे मैंने कहा भी दुनिया के हालात की जरा सा मुझे स्केच बना दें कि आजकल क्या दुनिया में हो रहा है। तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज बना के दी कि वो थिंकिंग टाइप लोग सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, मुल्कों की दहशतगर्दी है, लोगों की दहशतगर्दी है, मारधाड़ है, फिर सुकून लेने के लिए लोग मुख्तलिफ तरह के तरीके कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई ड्रग्स पे चला गया है, कोई म्यूजिक में गुम है, कोई बेईमानियां कर रहा है, बेसन के कैप्सूल बना रहे हैं, मतलब हर तरह की चीजें लोग कर रहे हैं ताकि आरजी सुकून हासिल हो जाए। वो जो वेस्ट में हम कहते हैं ना कि लेट अस हैव गुड टाइम, दे आर आफ्टर गुड टाइम, लेकिन वो गुड टाइम टेम्परेरी है उनका, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आती हैं वो उससे बहुत ज्यादा हैं जो थोड़े से अरसे के लिए उन्हें कहते हैं किक मिल गई या कोई अच्छा टाइम मिल गया, लेकिन उसके बाद जो बुरे टाइम्स हैं, फ्रस्ट्रेशन हैं, जो सोसाइटी में उनका मुकाम है, जो उनकी सेहत का हाल होता है, लेकिन दुनिया का हाल ये क्यों हो गया है, हम इस तरफ क्यों चलते चले जा रहे हैं, क्यों दुनिया खराब डायरेक्शन में चलती चली जा रही है। ये थोड़े से कार्टून मैंने अखबारों से लिए हैं। हर मुल्क में नाइंसाफियां हो रही हैं, हमारे मुल्क का हमें ज्यादा पता है कि जो असल खराबी करने वाले हैं उनको कोई नहीं पकड़ता, उनसे लोग डरते हैं। जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो मैंने जेलों के किस्से सुनाए, अब ये बेचारे मियां बीवी बच्चे बच्चे जा रहे हैं, दहशतगर्द वहां पे फायर करते हुए जा रहे हैं, पुलिस उनको देख नहीं रही कि उनको किया तो कुछ मारे ना जाएं, उन्हें नंबर पूरा करना है, पकड़ पकड़ा के जेलों में डाल देते हैं। तो ये कार्टून अखबारों से हैं और अखबारों में साफ साफ आ रहा है अब कि कितनी नाइंसाफियां दुनिया में हो रही हैं, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं और जो दूसरे असल लोग हैं उनसे पुलिस भी डरती है, उनको भी हाथ नहीं डालती। तो ये कार्टून कुछ अखबारों में लिए कि कहते तो हम इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इकदाम किसके खिलाफ हो रहे हैं। एक और कार्टून अखबारों का है, आपने भी देखा होगा, वो था ना एक दफा के बंदूकें जमा करो दहशतगर्दों से, तो वो बेचारा गुब्बारे फाड़ने, बच्चे पीछे छुपे हुए हैं दोनों, पैसे दे रखे थे उन्होंने, और बेचारे इसकी बंदूकें ले लो आके कहते हैं आज हमने 15 बंदूकें जमा कर ली, दहशतगर्दों को पकड़ लिया। तो ये नंबर पूरा किया जा रहा है, लेकिन किससे किया जा रहा है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सेल्स आजकल बने हैं कि भाई हिसाब किताब लो, लेकिन जो हिसाब किताब देने वाले हैं वही लोग हैं जो पावर में हैं। तो हिसाब सेल्स का बेचारा चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसके पीछे लोग पड़ जाएं तो हिसाब सेल्स का भी क्या हाल होता है कि हिसाब किताब देना भी नहीं चाह रहे लोग अपना। अब देखें जो है ना इंसान का कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया और हम बन क्या गए। सूरती ने बिल्कुल साफ साफ है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर सब नीचों से नीच कर दिया, जो आप देख रहे हैं कार्टून्स में चीजों में कैसे अल्लाह ने प्यार मोहब्बत से हमें बनाया, फिर उल्टा फेर के नीचों से नीच कर दिया। नीचों से नीच क्या मतलब? जानवरों से बदतर, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, कि उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन जजा और सजा के मामले में तुमको जुटला सकता है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अगर आप पढ़ें एक एक चीज तो हर चीज आपको समझ आती चली जाती है। फिर हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब ये कुरान शरीफ में डिफरेंट जगह से मैंने चीजें ली हैं। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? अब हमें से बहुत लोग कहते हैं नहीं जी ये ठीक है, मैं तो यही करूंगा। अपना नफ्स को इंसान ने अपना खुदा बना रखा है, ठीक है हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या वही आपके लिए हक है जो आप चाहते हैं, या वो हक है जो अल्लाह ताला चाहता है? जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्रो ग्रो बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है।
वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अब देखें जो दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का दीन है, दुश्मन से भी आप मोहब्बत करें, उसको राह रास्त पे लाएं, उसको बातें बताएं, लेकिन हमारे यहां वो लोग बन जाते हैं जो आपस में कत्ल कर रहे हैं, मस्जिदों में कत्ल कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ कुरान शरीफ में है कि वो लोग हम में से हैं ही नहीं जो नफरतें फैलाएं, जो दीन को टुकड़े टुकड़े कर दें, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो ये इतनी साफ बातें होने के बावजूद हम के अंदर तफरका पड़ा हुआ है, दुश्मनियां हुई हुई हैं। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था, बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। अब देखें बहुत डीप बात है ये, हम लोग इनडिफरेंट हो गए हैं। अब हम कहते हैं हम क्यों किसी को मना करें, हम बदनाम हो जाएंगे, हम बुरे समझे जाएंगे, बुराई को देख रहे हैं लेकिन रोकना हमने छोड़ दिया है, सोचना भी छोड़ दिया है, मुंह फेर के चले जाते हैं कि हम क्यों बुरे बने। तो ये चीज भी बहुत बुरी है कि आप खुद बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरों को अच्छाई की तरफ नहीं ला रहे, दूसरों को नेकी की तरफ नहीं ला रहे। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है कि अच्छे इंसान भी बुराई को रोक नहीं रहे। बुराई को रोकने के लिए आपको मारपीट की जरूरत नहीं होती, प्यार मोहब्बत की जरूरत है, बताएं लोगों को, समझाएं, जो नहीं समझे फिर औरों को समझाएं, उनकी तरफ बार बार निगाह ना करें, लेकिन एक दो दफा बताना हर एक को जरूरी होता है। अच्छा देखें, हदीस भी वही है कि हम बता नहीं रहे चीजों को, तुम लोगों को चाहिए कि नेक काम करने का हुक्म और बुरे कामों से मना करते रहो, नहीं तो जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अल्लाह ताला तुम पर अजाब भेजेगा, फिर तुम खुदा से दुआ मांगोगे और वो उसे कबूल ना करेगा। तो ये कुरान और हदीस में बातें इतनी साफ साफ हैं कि हम बुरे कामों से लोगों को रोकें, अच्छे काम करें, ये नहीं कि खुद मुंह फेर के बैठ जाएं और इंसानियत का हमें कोई ख्याल ना हो, बच्चों को, दोस्तों को, पहले तो खुद अच्छे बने, खुद अच्छे नहीं औरों कैसे अच्छे बनाएंगे। और ये दूसरी बात कुरान शरीफ में कि ये और ये क्या बात है कि तुम किताब खुदा के बाज़ अहकाम तो मानते हो और बाज़ से इंकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रिसवाई हो और क्यामत के दिन सख्त से सख्त अज़ाब में डाल दिए जाएं। अब ये कि हम जो कहते हैं ना कि हम तो बस ये कर लेते हैं, ये नहीं करते, इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है, इसमें अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे तो हमें सोचना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन उस पर अकड़ नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर फर्ज या कोई चीज नहीं भी कर पा रहे तो हमें दिल में थोड़ा सा तकलीफ हो कि हम ये कर नहीं पा रहे इन वजूहात की वजह से, लेकिन हम करना चाहते हैं, मगर ये ना हो कि हम ये तो करेंगे और ये नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, आप फिर आगे आ जाता है कि इंसान क्या है। इंसान अगर हम सोचते हैं कि सब चीज देखकर कि इंसान क्या है, एक सोचने वाला इंसान है, काम आने वाला है, आसन तकवीम है, असफल साफिलीन है, मतलब हम हैं क्या, कत्ल गारत करने वाले हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये सब कुछ देख के दुनिया के हालात यंग लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा वजूद है जो यकतरफा तौर पर दूसरे इंसान के खिलाफ कार्रवाई करता है। इंसान की हिर्स और इंतकाम की हद कोई दूसरी मखलूक नहीं पा सकती। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो बेहिसाब हद तक दूसरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कोई बदतरीन मूदी जानवर भी अपने हमजिंस को नीचा दिखाकर अपने लिए तस्कीन का सामान पैदा नहीं करता। जो आजकल आप देखते हैं ना कि डांस कर रहे हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब यह ना कि जो कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता, वो मकसद से किसी को मारते हैं, भूख लगती है मारते हैं, खा लेते हैं, लेकिन कोई जानवर ऐसा नहीं करता जैसा इंसान कर रहा है जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। किसी को मुसीबत में डालकर उसकी परेशानी का तमाशा नहीं देखता, किसी को बेवजह कत्ल नहीं करता, मगर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया वो हरकत करता है जो तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। इंसान के मुताल्लिक शेख सादी ने कहा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं और उसके बाद उस शख्स से डरता हूं जो अल्लाह से नहीं डरता। अब देखें ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान अल्लाह से नहीं डरता वो तो फिर जो मर्जी करता चला जाएगा, उसके लिए अच्छे बुरे की तमीज नहीं होगी। तो जो अल्लाह से नहीं डरता उससे वाकई डरना चाहिए, क्योंकि उसका कोई दीन ईमान कहते नहीं होगा। इंसान के सामने अगर आखिरत का तसव्वुर ना हो तो जिंदगी बिल्कुल बेमानी सी लगने लगती है। इस दुनिया का मतलब उस वक्त समझ आता है जब इसको दूसरी दुनिया के साथ मिलाकर देखा जाए। परेशान इंसान बार बार पूछता चला आया है कि जुल्म क्यों हो रहे हैं, हर किस्म के दिलसोज हालात के बावजूद अल्लाह ताला खामोश क्यों है, वो क्यों इतने अच्छे बंदों और मजलूम लोगों को वैश्याना सलूक होने देता है। अब देखें ये बातें हर एक यंग आदमी के कि भाई क्यों अल्लाह ताला ऐसे होने दे रहा है, क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा, क्या अल्लाह ताला बेहिस हो गया है। जब मैं अमरीका में था वहां टाइम मैगजीन पे हेडलाइंस कि गॉड इज डेड के नाम से एक आर्टिकल आया था कि अल्लाह ताला कभी होगा लेकिन अब वो भूल गया है अपनी मखलूक को, जुल्म हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, अल्लाह ताला खामोश है, बोलता नहीं है। तो ये बातें लोग पूछते हैं जो सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये सवाल सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि हम अपने बारे में अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझते। अल्लाह ताला की स्कीम में दुनिया दारुल इम्तिहान है और हम इसको दारुल जजा के रूप में देखना चाहते हैं।
जो कल आने वाला है जब सब कुछ अपनी कामिल सूरत में होगा उसे हम आज देखना चाहते हैं। अगर हमें आखिरत का तसव्वुर ना हो तो वाकई दुनिया बेकार लगने लगती है कि क्या हो रहा है, ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, अच्छे लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आखिरत का तसव्वुर हो तो फिर आप कहते हैं कि ये तो आजमाइश है आपकी, आपको मुसीबतें पड़ रही हैं, पैगंबरों को इतनी मुसीबतें हुई, लेकिन साबित कदम रहना, सब्र करना, उसका अजर इतना ज्यादा है, आपको बहुत कुछ अल्लाह ने दे दिया और फिर आप सब्र नहीं कर रहे तो उसका भी अल्लाह ताला के पास हिसाब किताब है। इस दुनिया में तकरीबन हर एक आदमी का एक ही किस्सा है, वो मेहनत करता है और दुनिया के नाम और नमूद की खातिर अपनी सारी ताकत लगा देता है, बिलाआखिर जब वो इस काबिल हो जाता है कि दुनिया में उस इज्जत और इनाम मिले वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और इन चीजों की वक्त उसके लिए कम होती चली जाती है। ये वक्त उसका दुनिया भर की कमाई छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का होता है जहां के लिए उसने कुछ नहीं किया। दरहकीकत हम में से ज्यादा लोग अमल के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं वो बेअमली की बदतरीन मिसाल है। आप देखते हैं ना सब लोग, मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है, कर क्या रहे हैं वो लोग। कारों के अंदर आप देखते हैं शोपीस बने हुए, ड्राइव कर रहे हैं, मोबाइल लिए हुए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम तो बड़े मसरूफ हैं। अब एयरपोर्ट वगैरह पे मैं जाता हूँ, क्यों कहते हैं अब मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, मोबाइल पे कह रहे हैं, अब मैं जहाज की तरफ रवाना हो रहा हूँ। मतलब दुनिया वो समझ रही, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, मुल्क बैठ जाएगा, इनके पास ये नहीं होगा, तो वो दिखाने के लिए दुनिया को मैं ये कुछ हूं, मेरे पास ये कुछ है, लेकिन अंदर उनके पास क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है।